कन्नौज रेप केस में बड़ी गिरफ्तारी, कन्नौज से एसपी नेता नवाब गिरफ्तार। नाबालिग से रेप केस में हुई गिरफ्तारी, पीड़ित 112 पर पुलिस को किया कॉल। बुच दंपति के जवाब पर हिंडनबर्ग ने एक बार फिर किया पलटवार, ट्वीट कर लिखा, प्रतिक्रिया से निवेश की पुष्टि, चीफ बनने के 2 हफ्ते बाद पति को दिए शेयर, स्पष्ट रूप से हितों का टकराव हुआ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर वार, बोले देश के खिलाफ आर्थिक साजिश, कांग्रेस और उसकी टूल किट एक्टिव, हिंडनबर्ग में जॉर्ज सोरोस मुख्य निवेशक। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, बोले देश को बदनाम करने की साजिश कर रही है कांग्रेस, कार्रवाई होगी। देशभर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, बंगाल में महिला डॉक्टर की हत्या का विरोध, आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने दिया इस्तीफा, पुलिस ने 4 डॉक्टरों को पूछताछ के लिए बुलाया। कोलकाता पुलिस को सीएम ममता बनर्जी का अल्टीमेटम, कहा रविवार तक हो घटना का खुलासा। आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, गिरफ्तारी रद्द करने की मांग। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन, तीसरे दिन भी जारी, अनंतनाग के कोकेरनाग में आतंकियों की तलाश, सेना सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। बांग्लादेश संकट पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का निशाना, ट्वीट कर इशारों में विदेश नीति पर उठाए सवाल, कहा मूक दर्शक बनने से विदेश नीति नाकाम। शेख हसीना को शरण देने पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का केंद्र सरकार पर हमला, कहा भारतीय मुसलमानों से पीएम को नफरत और शेख हसीना को दी शरण, चीन अमेरिका के हाथ गया बांग्लादेश। असम की मुख्यमंत्री ममता का बड़ा बयान, बोले बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ा, आज सुबह करीमगंज बॉर्डर से घुसपैठ को रोका। पटना में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग को लेकर पटना में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, बीपीएससी कार्यालय के घेराव के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई छात्रों के जख्मी होने की खबर। यूपी के मेरठ में धर्मांतरण पर बड़ा खुलासा, हिंदुओं को योजनाबद्ध तरीके से ईसाई बनाने की साजिश, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया, आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, जल चढ़ाने जा रहे थे श्रद्धालु, 6 घायल, कुछ लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन कर रास्ता भी रोका। दिल्ली के बादली औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश से हालात बेहद खराब, बारिश से सड़कें पानी में डूबी, एयरपोर्ट के एंट्री गेट के पास भी भरा पानी, लोगों को करना पड़ा दिक्कतों का सामना। पंजाब के मोहाली में भारी बारिश के बाद सैलाब में बही कार, कार में सैलाब के बीच फंसे लोग, स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू, वीडियो आया सामने। पंजाब के जीरकपुर में भारी बारिश से लोगों की बड़ी मुश्किलें, घरों के अंदर पहुंचा बारिश का पानी, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बेंगलुरु में भारी बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव, सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित। एमपी में भारी बारिश का दौर जारी, कई राज्यों में जलभराव, उफान पर नदी नाले, डैम और तालाब लबालब भरे, ग्वालियर समेत 7 जिलों में अलर्ट जारी। चीन में मौसम की मार झेल रहे लोग, कई इलाकों में तूफान ने किया जीना मुहाल, तो कहीं बाढ़ से लोग परेशान, सड़कों पर सैलाब, पानी में डूबी गाड़ियां। भूटान में बाढ़ से भारी तबाही, सैलाब में फंसे कई वाहन, कई घरों को पहुंचा भारी नुकसान, लोगों की बड़ी मुसीबत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर फिर हमले, पंजगढ़ जिले में घरों को लगाई आग, दंगाइयों ने हिंदू घरों पर हमला किया, कई गांवों में हिंदुओं के घरों को फूंका। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कार्यवाहक गृह मंत्री शेखावत हुसैन ने मांगी माफी, कहा अराजकता के माहौल में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में रहे नाकाम, जल्द हालात बेहतर होने की उम्मीद। गाजा पट्टी में आतंकियों के ठिकाने पर इसराइल की बमबारी, पिछले 24 घंटे में हमास के 30 सैन्य ठिकानों पर हमला। हिजबुल्ला ने इसराइल पर कई रॉकेट दागे, हमले का वीडियो आया सामने, वीडियो में एक साथ कई रॉकेट आसमान में दिखाई दिए, इसराइल का दावा सभी रॉकेट को आसमान में ही मार गिराया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी, रूस ने यूक्रेन के काखोवका में किए ताबड़तोड़ हमले, रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त, हमले में यूक्रेनी सेना के कई बख्तरबंद तबाह। रूसी सेना ने कुर्स्क के सीमावर्ती इलाके को बनाया निशाना, यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर किया हमला, कुर्स्क के आसपास के इलाकों में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के 3 बख्तरबंद वाहनों को किया तबाह। रूस ने एक साथ यूक्रेन के कई शहरों को बनाया निशाना, डोनेस्क में जमकर की बमबारी, रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया, रूसी सेना ने उर्गन मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से किए ताबड़तोड़ हमले।
रूस ने SU-34 मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर बॉम्बर्स को किया तैनात यूक्रेन पर। बड़े हमले की तैयारी में रूस ने यूक्रेन पर हमले बढ़ाए। हमले की वीडियो भी आए सामने। अमेरिका के मैरीलैंड में घर में विस्फोट, हादसे में एक शख्स की हुई मौत, दो लोग घायल, आसपास के इलाके को पहुंचा नुकसान। ऑस्ट्रेलिया के केन्स में होटल की छत पर हेलीकॉप्टर क्रैश, क्रैश के बाद हेलीकॉप्टर में लगी भीषण आग, 400 लोगों को होटल से बाहर निकाला गया। ग्रीस में जंगल में लगी भीषण आग, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। स्पेन में आरागोन में भड़की जंगल की आग, लोगों के लिए चेतावनी जारी, आग पर काबू पाने की कोशिश तेज। आयरलैंड के लेनिस्टर में जंगल की आग ने लिया विकराल रूप, चारों ओर छाया धुआं ही धुआं, मौके पर फायर फाइटर्स तैनात। पेरिस ओलंपिक 2024 का हुआ शानदार समापन, आतिशबाजी से चमका पेरिस का आसमान। पेरिस ओलंपिक में एक बार फिर अमेरिका और चीन के बीच देखी गई कांटे की टक्कर, दोनों देशों ने 40-40 गोल्ड मेडल जीते। पीएम मोदी ने ओलंपिक खत्म होते ही भारतीय एथलीट को दिया खास संदेश, पेरिस ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन की सराहना की, पोस्ट कर लिखा, सभी एथलीट्स ने अपना बेस्ट प्रदर्शन दिया और हर भारतीय को उन पर गर्व है। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद इमान खलीफ ने दर्ज करवाई शिकायत, इमान खलीफ ने पेरिस में ऑनलाइन उत्पीड़न के लिए कानूनी शिकायत दर्ज कराई, इमान को ओलंपिक में बायोलॉजिकल मेल कहकर बुलाया गया था। तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड रवाना हुई श्रीलंकाई टीम, सीरीज का पहला मुकाबला 21 अगस्त को खेला जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका, टीम के कप्तान बेन स्टोक्स मैच के दौरान हुए चोटिल, चोट की वजह से सीरीज से भी हो सकते हैं बाहर। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री 2 की एडवांस बुकिंग हुई शुरू और फिल्म ने कमाए लाखों रुपए, 38 घंटों के अंदर फिल्म की लगभग 1,22,000 टिकट बिके, 14 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। मुफासा द लायन किंग का टीजर और ट्रेलर आउट, रिलीज डेट का भी हुआ ऐलान, 20 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। ऐश्वर्या संग तलाक के रूमर्स पर पहली बार अभिषेक बच्चन ने थोड़ी चुप्पी, बोले बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। उलझ की कमाई की अगर बात करें तो जानवी कपूर की फिल्म उलझ की कमाई में 10वें दिन आई मामूली तेजी, 10 दिन बाद भी 10 करोड़ से दूर, 50 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म के लिए 15 करोड़ कमाना भी अब नामुमकिन। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का सीजन 2 कल से होगा शुरू, कपिल शर्मा शो के पहले सीजन का समापन सुनील ग्रोवर और कृष्णा अभिषेक के साथ हुआ था, जिसमें एक सलमान खान और दूसरा शाहरुख खान बनकर आए थे। जीनी।